सुपर लीग का मैच नंबर 27 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच जो कि खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। दोस्तों देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है दोनों टीमों के लिए। काफी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है दोस्तों दोनों टीमों के लिए। बात करेंगे दोस्तों मुल्तान और सुल्तान जो इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखेंगे कि दोनों का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, दोनों का रिकॉर्ड्स देखेंगे दोस्तों। रिसेंट मैचेस का अगर फॉर्म की बात करें मुल्तान और सुल्तान के जितने भी प्लेयर्स है दोस्तों काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का क्या होने वाला है पिच बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि पिच का बिहेव क्या कहता है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अपने टीम का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों टीम वन का कॉम्बिनेशन में क्या लेने वाला हूं आज, क्योंकि जितने भी वीडियो में मैंने कॉम्बिनेशन बताया है टीम का मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जो कि हमारी फाइनल टीम होती है वो तो टॉस के बाद ही होती है, लेकिन जो टीम का कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर हम लोग देखते हैं विकेट कीपर सेक्शन कैसे रखना है, बैट्समैन का सेक्शन कितना रखना है, फिर ऑलराउंडर्स कितने रखने हैं टीम में, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग पिच का बिहेवियर, यानी रावलपिंडी क्रिकेट मैदान का पिच का बिहेव क्या है। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों टोटल मैच जो खेले गए इस मैदान पे 24 मैच खेला गया है। यहाँ पर जिस टीमों ने पहले बैटिंग किया है 11 मैच को विन किया है, सेकेंड बैटिंग यानी जिस टीमों ने चेस किया है रन को उन्होंने 13 मैच को विन किया है। तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों टीम दोनों चीजों में, कि जो पहले बैटिंग भी कर रहा है वो भी ठीक ठाक स्कोर कर रहा है और सेकेंड यानी जो चेस कर रही है टीम वो भी ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। यानी बोला जाए टोटली ये जो मैदान है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का हाई स्कोरिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करेंगे एवरेज स्कोर, जो एवरेज स्कोर है दोस्तों इस मैदान का 185 है। हाईएस्ट स्कोर का अगर बात करें जो सबसे ज्यादा रन बने हैं इस मैदान पे 262 रन बने हैं 3 विकेट पे। यहां से बात करेंगे लोवेस्ट स्कोर, तो ये तो अनप्रिडिक्टेड है, लोवेस्ट स्कोर को नहीं जाना है। स्कोरिंग पैटर्न हम लोग देखते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न इस मैदान पे कैसा होता है। अगर 150 से नीचे का स्कोर का बात करें तो 3 बार बने हैं। यहाँ पर अगर 150 और 170 के बीच का स्कोर का बात करें तो 4 बार हुआ है। यहाँ पर बोलेंगे 170 से और 90 के बीच का 170 और 190 के बीच का जो स्कोर है वो 5 बार बना है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है 190 से ज्यादा का स्कोर जो है 12 बार बना है। तो क्लियर है यहाँ पर कि ये जो रावलपिंडी का जो मैदान है हाई स्कोरिंग मैदान देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों रिसेंट मैच, इन दोनों टीमों ने जो ये मैच चल रहा है पीसीएल पाकिस्तान सुपर लीग का की क्या परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुल्तान और सुल्तान का। इस पूरे टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान ने काफी अच्छे क्रिकेट खेले, यहाँ पर पहला मैच को विन किया है, दूसरा भी विन किया है, तीसरा भी लगातार 3 मैच को विन किया है, उसके बाद चौथा मैच अपना लॉस किया है, फिर पांचवा मैच को विन किया है, छठा भी विन करके आ रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे सातवां मैच भी विन करके आ रहा है टीम, और यहाँ लास्ट मैच जो है ये हार गया था। तो यहाँ से दोस्तों अगर देखा जाए टोटल 8 मैच में सिर्फ 2 मैच मुल्तान सुल्तान हार के आ रहे हैं, लेकिन 6 मैच को विन करके आ रहे हैं। तो काफी स्ट्रांग टीम है दोस्तों मुल्तान सुल्तान। यहां से बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर बात करें कि रिसेंट मैचेस जो हुए हैं अभी तक पीसीएल में, पहला मैच को विन किया था, उसके बाद लगातार 3 मैच को लॉस करके आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, फिर चौथा मैच को विन किया है, यहाँ पर पांचवा मैच जो रद्द हो गया था, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है इसमें, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे लास्ट मैच छठा मैच को विन किया है, फिर सातवा को लॉस किया, फिर आठवां मैच को विन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अगर ऑन द पेपर बात करें दोनों टीमों में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान में से मुल्तान सुल्तान की टीम काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे टीम का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग प्लेइंग 11 क्या होने वाला है दोनों टीमों का। प्लेइंग 11 काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि देखा गया है मुल्तान सुल्तान के टीम में हमेशा चेंजेस देखने को मिलता है हर एक मैच में। जैसे यहाँ पर बात करें उस्मान खान, यहाँ पर डेविड मलान के जगह उस्मान खान आपको दिख रहे हैं खेलते हुए, पहले डेविड मलान कुछ मैचों में खेले, तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेइंग 11 पर अगर ध्यान दें, कॉलिन मुनरो आते हैं एलेक्स हेल्स के साथ ओपनिंग के लिए। रिसेंट अगर फॉर्म देखा जाए दो मैचों का, पहले मैच में 9 रन, दूसरे मैच में 15 रन। एलेक्स हेल्स का बात करें जो बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे आपको, पहले मैच में 18 रन, दूसरे मैच में रन नहीं बना पाए, डक में आउट हुए थे। तीसरा पोजीशन का अगर बात करें फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ए सलमान आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे आपको, पहले मैच में 33 रन, दूसरे मैच में 4 रन और विकेट लेस रहे थे। यानी ज्यादा बॉलिंग ए सलमान को नहीं मिल रहा है, 1 से 2 ओवर बॉलिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे शादाब खान जो टीम के लिए कैप्टेंसी भी कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इस पूरे टूर्नामेंट में, पहले मैच में 34 रन, विकेट लेस रहे थे, विकेट नहीं मिला।
दूसरे मैच में 7 रन और 1 विकेट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि कंप्लीट अपने स्पेल के 4 ओवर्स डाल रहे हैं, तभी भी इन्हें विकेट भी मिल सकता है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर बैटिंग के भी चांसेस ज्यादा है। हैदर अली की बात करें, कुछ खासा रिकॉर्ड अभी तक नहीं बनाया पूरे टूर्नामेंट में, 26 रन बनाए थे सिर्फ 1 मैच में। सही मतलब देखेंगे जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। अगर बात करें इनके रिसेंट 2 मैचों में, 12 रन 2 विकेट, 41 रन 1 विकेट, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों फहीम अशरफ। ए खान का अगर बात करें, आजम खान आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखेंगे, पहले मैच में 9 रन, दूसरे मैच में 29 रन। इमाद वसीम का बात करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में 4 रन और 1 विकेट, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इमाद वसीम का भी है यहाँ पर। नसीम शाह का बात करेंगे जो आपको बॉलर सेक्शन में दिखेंगे, 27 रन 1 विकेट। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें एच का, जो आपको बॉलर सेक्शन में दिखेंगे, 1 विकेट 1 विकेट, 2 मैचों में लगातार 1-1 विकेट। यहाँ पर टीम एल्स की बात करेंगे जो आपको बॉलर सेक्शन में दिखेंगे, 3 विकेट एक ही मैच में लेके गए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे फिर हम लोग मुल्तान सुल्तान का प्लेइंग 11 पे, तो मुल्तान सुल्तान का जो प्लेइंग 11 दोस्तों, मोहम्मद रिजवान के साथ रेजा हैंड्रिक्स आते हैं ओपनिंग के लिए। मोहम्मद रिजवान का अगर फॉर्म की बात करें, लास्ट 2 मैचों में 32 रन पहले में, दूसरे में 58 रन, तो अच्छे फॉर्म में चल रहे मोहम्मद रिजवान, बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन में से है। यहाँ पर बात करेंगे रिजा हैंड्रिक्स आपको बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे, पहले मैच में 5 रन, दूसरे में भी 13 रन, कुछ खासा रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना पाया है इस पूरे टूर्नामेंट में। उस्मान खान का बात करें, यहाँ पर दोस्तों आपको डेविड मलान भी खेलता हुआ दिख सकता है। उस्मान खान दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में है, काफी अच्छे फॉर्म में चले हैं और पहले ही मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई, यानी शतक लगा दिए, 106 रन बना दिए, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इफ्तिखार अहमद का बात करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में है, पहले मैच में 7 रन, विकेट ले रहे थे, दूसरे मैच में 4 रन, तो यहाँ पर इफ्तिखार अहमद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं क्योंकि ये टॉप ऑर्डर में इनका बैटिंग ऑर्डर है और यहाँ पर अपने स्पेल के 2 से 3 ओवर करने वाले हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी होने वाले हैं। खुशदिल शाह की बात करेंगे जो ऑलराउंडर सेक्शन में है, पहले मैच में 11 रन, विकेट ले रहे थे, दूसरे मैच में 6 रन, 1 विकेट। टी ताहिर का अगर बात करेंगे बैट्समैन सेक्शन में, कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है अभी तक इनका। क्रिस जॉर्डन का बात करेंगे जो ऑलराउंडर सेक्शन में, पहले मैच में 30 रन 2 विकेट, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्रिस जॉर्डन भी, क्योंकि पहले मैच में 30 रन 2 विकेट, फिर दूसरे में 1 विकेट, तो यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टन जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के हम लोगों के टीम में, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। डेविड विली की बात करेंगे जो आपको बॉलर सेक्शन में दिखेंगे, पहले मैच में विकेट ले रहे थे, दूसरे में 1 विकेट लेके गए थे। उस्मान मीर दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट में काफी खतरनाक दिख रहे हैं। अगर देखा जाए उस्मान मीर का सिलेक्शन परसेंटेज पहले बहुत कम था, लेकिन अभी अगर रिसेंट में देखा जाए तो 90 के आसपास इनका सिलेक्शन परसेंटेज है। पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे में 2 विकेट, यानी हर एक मैच में 2 से 3 विकेट लेकर के जा रहे हैं। ए इब्राहिम की बात करें, कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है। एम अली की बात करेंगे जो आपको बॉलर सेक्शन में दिखेंगे, यहाँ पर पहले मैच में विकेट ले रहे थे, दूसरे मैच में 1 विकेट मिला था। ये था दोस्तों हमारा मुल्तान सुल्तान का प्लेइंग 11। अब यहां से क्या होता है दोस्तों कि आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा बैटिंग ऑर्डर में। यहां से मोहम्मद रिजवान और रिजा हैंड्रिक्स दोनों ओपनिंग के लिए आएंगे, उस्मान खान का भी पोजीशन फिक्स मान के चलो। यहां से इफ्तिखार अहमद का जो है पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यहां से इफ्तिखार अहमद के जगह आपको खुशदिल शाह पहले बैटिंग करता हुआ दिखेगा, तो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये सारा एनालिसिस दोस्तों हमारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि आज का जो मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीम होने वाला है, जो टीम मैं डेली बना के देता हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर बात करेंगे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है कैप्टन और वाइस कैप्टन, कि हम लोग अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे रखने वाले हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे टीम का कॉम्बिनेशन पे, तो टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन हम लोग लेके चले हैं, विकेट कीपर सेक्शन 1-2 है हमारा, यहाँ से बैट्समैन सेक्शन हम लोग 3 लेकर के चले हैं। हमारा ऑलराउंडर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, हम लोगों ने 4 स्पोर्ट को रखा है और बॉलर सेक्शन हम लोगों ने सिर्फ 2 रखा है। सारे लॉजिक को देखते हुए, सारे एनालिसिस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन हम लोगों ने जानबूझ के बढ़ाया है क्योंकि कुछ ऐसे ऑलराउंडर हैं दोनों टीमों में जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और अपने स्पेल के 2 से 3 ओवर कर रहे हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन इस मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से देखेंगे सबसे पहले हम लोग विकेट कीपर सेक्शन कि क्या है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का विकेट कीपर सेक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स फॉर्म में है। विकेट कीपर सेक्शन में हमारा यहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड से आजम खान, और यहाँ से मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें विकेट कीपर सेक्शन में आपका मोहम्मद रिजवान और यहाँ पर उस्मान खान, इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर विकेट कीपर सेक्शन का बात करें
कि क्या लेकर के चलेंगे दोनों टीमों से, मोहम्मद रिजवान को तो एज ए फिक्स प्लेयर ही लेकर के चलेंगे अपने टीम में। हम लोग क्या करेंगे, मोहम्मद रिजवान को हम लोग क्या किए, एज ए फिक्स प्लेयर लेके चले टीम में। और यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो कि विकेट कीपर सेक्शन में इन दोनों में से किसी एक को लेके जाएंगे, आजम खान और यहाँ पर उस्मान खान, इन दोनों में किसी एक को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उस्मान खान दोस्तों, हम अपने टीम में रखेंगे क्योंकि पहले ही मैच में इन्होंने सेंचुरी लगा दिया, काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, तो हो सकता है इस मैच में भी अच्छा खासा स्कोर कर जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस्मान खान के साथ चलेंगे। ये था विकेट कीपर सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि विकेट कीपर सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, बैट्समैन सेक्शन क्या होने वाला है। अगर यहां से बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड से बैट्समैन सेक्शन में, तो कॉलिन मुनरो और यहां से एलेक्स हेल, इन दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे हम लोग मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो है कॉलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स को अभी हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉप किया है। यहां से बात करेंगे अगर बैट्समैन सेक्शन में, तो बैट्समैन सेक्शन कुछ उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन देखेंगे। वहां से बात करेंगे मुल्तान सुल्तान का बैट्समैन सेक्शन, रीजा हेंड्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के लिए। यहां से अगर बात करेंगे टी ताहिर, ये भी आपके लिए मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है टी ताहिर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रीजा हेंड्रिक्स को लेके चलेंगे टीम में, रीजा हेंड्रिक्स। और यहां से अगर बैट्समैन सेक्शन में बात करें तो हैदर अली को आप लेकर के जा सकते हो अपने टीम में, या फिर एलेक्स हेल, इन दोनों में से किसी एक को लेकर के आप अपने टीम में जा सकते हो, एलेक्स हेल या फिर हैदर अली, आप डिफरेंशियली पिक कर लोगे। अगर दो या तीन टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो दोनों को अलग अलग टीम में लेकर के जाना है। तो ये था दोस्तों हमारा बैट्समैन सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान टीम से ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इफ्तिखार अहमद, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैच के लिए। यहाँ से खुशदिल शाह भी काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, क्रिस जॉर्डन भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए क्रिस जॉर्डन कभी भी ऊपर आ सकते हैं बैटिंग के लिए और अपने स्पेल के कंप्लीट चार ओवर्स भी करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इफ्तिखार अहमद, क्रिस जॉर्डन और खुशदिल शाह, इन तीनों में से किसी दो को लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ्तिखार अहमद को एज ए फिक्स प्लेयर रखेंगे हम लोग, और यहां से क्रिस जॉर्डन के साथ चलेंगे। क्रिस जॉर्डन और इफ्तिखार अहमद के साथ जा रहे हैं। और यहां इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम से अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। यहां पर अगर देखा जाए ए सलमान, जो कि आपके लिए अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, 33 रन बनाए हैं और फर्स्ट पोजीशन पे ही बैटिंग हो रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, ओपनिंग के बाद ए सलमान का ही बैटिंग आना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए सलमान को रखेंगे अपनी टीम में, क्योंकि बॉलिंग भी कर ले रहे हैं एक से दो ओवर, हो सकता है वहां पर इन्हें विकेट मिल जाए। और यहां से बात करेंगे शादाब खान, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहां से डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो, जैसे यहां क्रिस जॉर्डन के जगह आप किसी किसी टीम में फहीम अशरफ और क्रिस जॉर्डन, इन दोनों में आप डिफरेंशियली पिक बनाएंगे, क्रिस जॉर्डन और फहीम अशरफ में। आप यहां पर क्या कर सकते हो दोस्तों, ए सलमान के जगह आप क्या कर सकते हो, इमाद वसीम को आप टीम में रख सकते हो एज ए डिफरेंशियली पिक। आप अगर तीन टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो किसी में ए सलमान के साथ चलना है और यहां पर इमाद वसीम, इन दोनों में आपको डिफरेंशियली पिक करना है, क्योंकि हो सकता है अगर ये पहले अगर विकेट दे गए सलमान, तो वहां पर आपका मेगा ग्रैंड लीग का जो टीम है वो आपका नीचे डाउन करेगा, क्योंकि इमाद वसीम का थोड़ा सिलेक्शन जो है कम है, लेकिन ये मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इमाद वसीम भी। तो ये था दोस्तों हमारा ऑलराउंडर सेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे बॉलर सेक्शन देख रहे होंगे हम लोगों ने कम रखा है, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे ऐसे ऑलराउंडर है जो अपने स्पेल के तीन से चार ओवर करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बॉलर सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स हो सकते हैं इस मैच के लिए, टी मेल्स को रखेंगे हम लोग। आप डिफरेंसली पिक करोगे यहां भी, टी मेल्स के साथ आप यहां पर क्या करोगे, टी मेल्स और यहां पर एच शाह, इन दोनों में आप डिफरेंसली पिक करेंगे। इन दोनों को एक साथ लेके नहीं जाना है, दोनों को अलग अलग टीमों में अलग अलग लेके जाना है। और यहां इस स्पोर्ट्स में अगर बात करें हम लोग मुल्तान सुल्तान की टीम से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की टीम से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बॉलर सेक्शन में, वो है उस्मान मीर को हम लोग एज ए फिक्स प्लेयर ही लेके चलेंगे। उस्मान मीर
और यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, डेविड विली के साथ भी आप जा सकते हैं टीम में, डेविड विली। और यहां अगर नसीम शाह का बात करें तो नसीम शाह भी यहां पर आप क्या कर सकते हो, डेविड विली की जगह नसीम शाह को भी आप अपने टीम में रख सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा बॉलर सेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे रखेंगे अपनी टीमों में। कैप्टन और वाइस कैप्टन जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैच के लिए। इस मैच में सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहां से इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है सदाब खान। और यहां से अगर बात करेंगे ए सलमान को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन में रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है दोस्तों। यहां से कॉलिन मुनरो या एलेक्स हेल, अगर इन दोनों को किसी एक को ले रहे हैं टीम में मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक को आप क्या करेंगे कैप्टन या वाइस कैप्टन रखेंगे, क्योंकि मेगा ग्रैंडली में क्या है कि सिलेक्शन परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉलिन मुनरो या एलेक्स हेल में किसी एक को रख रहे हैं, कॉलिन मुनरो या एलेक्स हेल, इन दोनों में से किसी एक को रख रहे हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन में। और यहां अगर बॉलर ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करें तो फहीम अशरफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। फहीम अशरफ, तो ये थे दोस्तों हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेस्ट चॉइस थे। अब हम लोग बात करेंगे मुल्तान सुल्तान से। मुल्तान और सुल्तान की अगर बात करें मुल्तान सुल्तान टीम से कैप्टन या वाइस कैप्टन में, नंबर एक पे मोहम्मद रिजवान जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को आप रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेस्ट चॉइस है। यहां पर आप क्या करोगे अगर आप मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टीम बना रहे हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए, तो उस्मान खान को भी आप अपने टीम में रखेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन में। यहां पर दोस्तों अगर तीन नंबर पे बात करें तो यहां पर इफ्तिकार अहमद भी काफी इंपॉर्टेंट है कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर में। आप क्या करेंगे अगर मेगा ग्रैंड लीग में टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा बना रहे हो, तो यहां से उस्मान मीन और क्रिस जॉर्डन और यहां पर उस्मान मीर, इन क्या करेंगे अगर मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो उस्मान मीन और क्रिस जॉर्डन को भी आप अपने टीम में रखेंगे। अगर पांच टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो पांचों टीम में आप क्या करेंगे कि अलग अलग कैप्टन या वाइस कैप्टन को रखेंगे। जो हमारी फाइनल टीम होती है वो मैं डेली टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे रहता है, वहां आप टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन कर लो।